भारत ने की रिकॉर्ड दर्ज जीत, वनडे में रच डाला इतिहास। श्रीलंका को 317 रनों से चटाई धूल, रोते रोते घर लौटेगी श्रीलंका की टीम। भारत ने दिखा दिया इस बार वर्ल्ड कप उनका है। कांप रही है बड़ी बड़ी टीमें, न्यूजीलैंड के छूट रहे हैं पसीने। भारतीय टीम ने आज वनडे इतिहास में रिकॉर्ड दर्ज कर जीत हासिल की। जी हाँ, उन्होंने श्रीलंका की टीम को 317 रनों से मात दी, जो इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि टीम इंडिया के पास कोहली है, शुभमन गिल है, मोहम्मद सिराज है और बचा खुचा काम आखिरी ओवर में अक्षर पटेल कर जाते हैं, जिन्हें देखकर अब भारत देश ये मान चुका है कि इस बार वर्ल्ड कप भारत की झोली में आना है। उस वक्त तो टीम इंडिया में महेंद्र सिंह धोनी थे, अब टीम इंडिया के पास विराट कोहली है, जिनके सामने अच्छे से अच्छा खिलाड़ी भी घुटने टेक देता है। गेंदबाज तो गेंद कराने से भी डरता है। 2011 में तो भारत ने जीता था वर्ल्ड कप और अब 2023 में फिर भारत में आएगी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, क्योंकि ये भारत के वो खतरनाक सूरमा है जो टीम इंडिया की हार देखना ही नहीं चाहते, जिन्होंने कभी हार का सामना करना ही नहीं सीखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली की, जिन्होंने लगातार 3 शतक जड़कर बता दिया कि उनसे लोहा लेना आसान नहीं है। और आज उन्होंने 166 रन जड़कर यह साबित भी कर दिया कि इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत में लानी है। वहीं टीम इंडिया के ओपनर शुभमन गिल भी विराट के नक्शे कदम पर हैं। उन्होंने भी आज 97 गेंदों में 116 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, बस मैदान में उतरते हैं और चौके और छक्कों की बरसात करना शुरू कर देते हैं। यही नहीं, टीम इंडिया के पास एक से एक धुरंधर भरे पड़े हैं, जिसमें टीम इंडिया के युवा खतरनाक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव भी हैं। अगर उनका नाम न लें तो गलत होगा, क्योंकि जिस तरह से वो मैदान के चारों तरफ अपना आतंक मचाते हैं वह देखने लायक होता है। और गेंदबाज का चेहरा भी किस तरह से घबराया हुआ होता है वह तो आप जानते ही हैं। और ऐसा ही कुछ आज के मैच में भी देखने को मिला, जिसमें कोहली और शुभमन गिल ने शतक जड़कर बता दिया कि अब बड़ी बड़ी टीमों की खैर नहीं। बल्लेबाजों ने तो अपना भरपूर काम किया, लेकिन अब गेंदबाजी की बात करें तो टीम इंडिया के खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जिन्होंने आज 10 ओवर में मात्र 32 रन देकर 4 विकेट झटकी, विकेटों की ऐसी झड़ी लगा दी कि श्रीलंका की टीम को संभलने का मौका ही नहीं मिला और ताश के पत्तों की तरह वह मात्र 73 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। 317 रनों से उसके सिर हार का सबसे बड़ा धब्बा लग गया। भारत के इन खतरनाक सूरमा को देखकर अब बड़ी बड़ी टीमें घबराई हुई हैं, सोच रही हैं कि ऐसा ही टीम इंडिया के खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस रहा तो वर्ल्ड कप जीतना नामुमकिन है। चाहे फिर ऑस्ट्रेलिया हो या हो न्यूजीलैंड या फिर हो पाकिस्तान, सभी बड़ी बड़ी टीमें भारत के खिलाड़ियों का यह रौद्र रूप देखकर घबराई हुई हैं। तो आप भी भारत की शानदार जीत पर अपनी राय दीजिए, साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।